नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए 26 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वुहान वायरस अपडेट। दुनिया में इस समय तक 29 लाख के आसपास लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान भी इस वायरस के कारण चली गई। सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की बात करते हैं तो यूएसए है पहले स्थान पर, स्पेन है दूसरे और इटली है तीसरे स्थान पर। अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत की स्थिति भी आप कोई बहुत सही नहीं कह सकते हैं। कल के दिन में 1800 नए मामले अपने देश में दर्ज किए गए और इस तरह से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 26,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। 825 लोगों की डेथ अपने देश में इस वायरस के कारण हो चुकी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, गुजरात है दूसरे और दिल्ली है तीसरे स्थान पर। और जिस तरह से केस भारत में बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 3 मई को लॉकडाउन शायद देश से लिफ्ट नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ स्थानों पे इसमें छूट दी जाए, लेकिन पूरे देश से लॉकडाउन 3 मई को संभवतः समाप्त नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है 25 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए और पूरे विश्व से मलेरिया को समाप्त करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2008 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था और इस वर्ष की थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ये इस बार की थीम है। भारत सरकार ने यह टारगेट रखा है कि 2027 तक अपने देश से हम मलेरिया को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। तो मलेरिया के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि पैरासाइट से फैलने वाला यह एक रोग है और डिसीज के उन्मूलन की बात हुई है तो भारत सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और 2030 तक एड्स के उन्मूलन का भी भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। और ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप अब काम करना शुरू कर दिया है, ऐप आप डाउनलोड कर लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब ये जो क्विज होता था वीडियो की शुरुआत में, अब इसे हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि क्विज से वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कई चीज़ें जो हम वीडियो में और डिस्कस करना चाहते हैं उनको भी स्किप करना पड़ता है। तो इसीलिए अब हम लोग क्विज को डिस्कस नहीं करेंगे। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस भी मनाया जाता है 25 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? दरअसल 25 अप्रैल को 1945 में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और इसी के कारण प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं, लगभग इनकी संख्या 193 है, तो इन देशों के जो प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र में, उनके और उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसमें भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं सैयद अकबरुद्दीन, और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तियानवेन-1 किस देश के स्पेस एजेंसी का पहला मंगल अन्वेषण मिशन यानी कि मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन होगा? तो इसके बारे में घोषणा की है चीन की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष चीन 2016 से ही अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाता है और इसी के अवसर पर तियानवेन-1 नाम के मंगल मिशन की घोषणा की गई है। चीन की स्पेस एजेंसी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और अपने इस मंगल मिशन के अंतर्गत चीन के द्वारा एक रोवर भेजे जाने की योजना है। अब ऐसा नहीं है कि चीन ये पहली बार मंगल मिशन कर रहा है, 2011 में भी इसने रूस के इंग-ह्यो-1 की मदद से एक असफल प्रयास किया था मंगल तक पहुंचने का, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया है। अभी तक अगर हम लोग मंगल में पहुंचने वाले देशों की बात करते हैं तो रूस पहुंच चुका है, अमेरिका पहुंच चुका है, यूरोपीय संघ पहुंच चुका है और भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफल रहा था। 2 मंगल मिशन के बारे में हम लोगों ने और डिस्कस किया था। एक तो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यानी कि ESA का, इनके द्वारा भी 2020 में किया जाना था लेकिन अब इन्होंने इसे टाल करके कर दिया है 2022 के लिए। और ध्यान रखिएगा इसमें भी ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा एक रोवर भेजा जाएगा और रोवर का नाम इन्होंने क्या रखा है? तो इसका नाम इन्होंने रखा है रोसालिंद-फ्रैंकलिन। और यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उनके द्वारा भी एक मार्स मिशन किया जाना है इसी वर्ष
और उसके अंतर्गत भी वे लोग एक रोवर भेजेंगे, कहाँ पर, मार्स पर, और उस रोवर का नाम उन्होंने रखा परसेवेरेंस। क्या है? परसेवेरेंस उस रोवर का उन्होंने नाम रखा है। तो ये सारे मार्स मिशन है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 2020 में भारतीय उच्चायोग ने किस देश में व्यापार संवर्धन पर एक वेबिनार का आयोजन किया? तो ये जो वेबिनार है यह एक प्रकार का डिजिटल सेमिनार होता है, इसका आयोजन किया गया बांग्लादेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बांग्लादेश में हमारी उच्चायुक्त कौन है? ये है रीवा गांगुली। तो रीवा गांगुली भारत बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ में मिल करके इस व्यापार संवर्धन के ऊपर वेबिनार में शामिल हुई। भूटान की अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की ढाका है, मुद्रा है टका, और पीएम यहाँ की है शेख हसीना। अब आइए लोकेशन देख लेते हैं बांग्लादेश की। तो आपको पता होगा ये हमारा एक पड़ोसी देश है, और भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह भी है बांग्लादेश के साथ में। कई भारत के राज्य हैं जो इसके साथ में सीमा बनाते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, और है मिजोरम। किस राज्य ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए शून्य ब्याज ऋण योजना की पुनः शुरुआत की? तो ये जो शून्य ब्याज ऋण योजना है ये पहले चल रही थी आंध्र प्रदेश में। तो एक बार फिर से आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी, उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा 2011 में पहली बार इस योजना की शुरुआत की गई थी, उस समय के सीएम एन कुमार रेड्डी के द्वारा। तो ये योजना, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत जो हमारी महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। तो अब की बार जो योजना शुरू की गई है उसमें इन महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20,000 से 40,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, और इससे राज्य की लगभग 93 लाख से ज़्यादा महिलाएं लाभान्वित होंगी। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो अनुसूचित क्षेत्रों में 100% आरक्षण की घोषणा की गई थी उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आंध्र प्रदेश राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको अमरावती में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं बीबी हरिचंदन, जो कि भारत के सबसे ज़्यादा उम्र के राज्यपाल हैं। सीएम के बारे में मैंने आपको बता दिया, जगन मोहन रेड्डी हैं। विधान परिषद में यहाँ की है 58 सीटें, लेकिन आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उनके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जा चुका है जिसके माध्यम से विधान परिषद को ये लोग समाप्त करेंगे। जेके माहेश्वरी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। सिंगापुर की कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस भारतीय बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 4.49% किया है? तो ये बढ़ाया है इन्होंने बंधन बैंक में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अभी तक ये जो सिंगापुर की कैलेडियम इन्वेस्टमेंट है इनकी हिस्सेदारी थी 3.39%, तो अब इसे इन्होंने 1% बढ़ा दिया है और अपनी हिस्सेदारी को कर दिया 4.49%। बंधन बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय है इसका वेस्ट बंगाल की कोलकाता में, और कोलकाता में ही आपको यूको बैंक का भी मुख्यालय मिलेगा, और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चंद्रशेखर घोष। किस अर्धसैनिक बल ने फाइलों के संचलन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है CISF ने, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा ये ई कार्यालय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। अब इस ऐप का काम क्या होगा? तो देखिए, आपको पता होगा कि इस समय लॉकडाउन है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी फाइल को या फिर किसी भी दस्तावेज को भेजने के लिए इस ऐप की मदद ली जाएगी, यानी कि उसको फिजिकली नहीं भेजा जाएगा, यानी किसी के माध्यम से कार्यालय में नहीं भेजा जाएगा। ये जो ऐप है उसके माध्यम से आसानी से डिजिटल तरीके से उस दस्तावेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाएगा। CISF की जो इन हाउस तकनीकी टीम है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। CISF की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। एक चीज़ CISF के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इनके द्वारा जो हमारा 2020 का वर्ष है इसे गतिशीलता का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में घोषित किया गया है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसकी इन्होंने शुरुआत की है पेटीएम के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब लॉकडाउन के कारण जो छोटे व्यवसायी हैं उनका व्यवसाय आप कह सकते हैं रद्द हो गया है, तो यहाँ पर जो ये रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया गया है इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति
पेटीएम के ऐप पर जाएगा, वहां पर वह रजिस्ट्रेशन करेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद में वह मोबाइल रिचार्ज को इस पेटीएम ऐप के माध्यम से कर सकता है। तो इससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद होगी। बात करते हैं अगर हम लोग पेटीएम कंपनी की, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, मुख्यालय है नोएडा में। और एक दिन किसी ने कमेंट किया था जब मैंने बताया था कि पेटीएम पेमेंट बैंक 2017 में शुरू हुआ था, तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। पेटीएम पेमेंट बैंक इसी का एक हिस्सा है और पेटीएम मेन कंपनी है। तो पेटीएम कंपनी 2010 में आई थी और पेटीएम पेमेंट बैंक खुला था 2017 में। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन है, तो वो है विजय शेखर शर्मा और इसकी पैरेंट कंपनी है 197। पेटीएम के बारे में ध्यान रखना है कि इन्होंने पहले वीजा कार्ड के साथ में और बाद में मास्टर कार्ड के साथ में समझौता किया है, जिसके अंतर्गत ये डेबिट कार्ड जारी करेंगे अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहकों को। और जो हैदराबाद का मेट्रो है उसके साथ भी पेटीएम ने समझौता किया है। किसने? पेटीएम ने समझौता किया है, जिसके द्वारा वे लोग QR बेस्ड जो टिकट है उसको जारी करेंगे। पेटीएम ने अब बीमा सेक्टर में भी प्रवेश कर लिया है। इनको IRDAI के द्वारा बीमा उत्पाद बेचने का लाइसेंस भी दिया जा चुका है। किस IIT संस्थान ने COVID-19 के प्रसार के बारे में अनुमान लगाने के लिए वेब आधारित डैशबोर्ड जिसका नाम है प्रकृति विकसित किया? तो ये डैशबोर्ड विकसित किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये है क्या, तो इसका पहले आप पूरा नाम जानिए। पूरा नाम है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। इसका मतलब यह है कि IIT दिल्ली ने एक ऐसा डैशबोर्ड बनाया है जिस डैशबोर्ड के माध्यम से अगले 3 हफ्तों में किस प्रकार से कोरोना वायरस के मामले अपने देश भारत में बढ़ेंगे, इसके बारे में ये लोग अनुमान लगाएंगे। अब अनुमान कैसे लगाएंगे, हवा में तो लगाएंगे नहीं, इसके लिए ये लोग सहारा लेंगे आर नॉट का। किसका? आर नॉट का। आर नॉट आपको पता होगा कि जो कोरोना वायरस का है वह लगभग 2.2 है। कितना? 2.2 है, यानी कि अगर कोई एक संक्रमित व्यक्ति है तो वह लगभग 2.2 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो ये लोग आर नॉट की हेल्प लेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का जो डेटा है उसकी हेल्प लेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हेल्प लेंगे और WHO के आंकड़ों के आधार पर ये अनुमान लगाएंगे कि अगले 3 हफ्तों में अपने देश भारत में किस प्रकार से आंकड़े बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस डैशबोर्ड का नाम है प्रकृति। केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का पुनर्गठन किया गया? तो इसकी अध्यक्ष होंगी मालिनी शंकर जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये जो राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड है इसका एक बार फिर से गठन किया गया है। 16 सदस्य यह एक बोर्ड होगा जो कि एक प्रकार का उच्च सलाहकारी बोर्ड होगा। उच्च सलाहकारी बोर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडियन शिपिंग और उसके विकास से संबंधित या फिर उससे जुड़े हुए जो भी मामले होंगे उसके बारे में इसके द्वारा सलाह दी जाएगी। मालिनी शंकर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये शिपिंग की पूर्व महानिदेशक है। और आपको बताना है वर्तमान में हमारे शिपिंग मिनिस्टर कौन है, वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मालिनी शंकर जी को। अप्रैल 2020 में बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता? तो ये है एक चेस का टूर्नामेंट और इसे जीत लिया है ईरान के अली रेजा फिरोजा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा रोचक मुकाबला आप कह सकते हैं, क्योंकि ईरान के जो अली रेजा फिरोजा हैं ये हैं मात्र 16 वर्ष के और इन्होंने फाइनल मुकाबले में हरा दिया मैग्नस कार्लसन को जो कि विश्व चैंपियन खिलाड़ी हैं नॉर्वे के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अली रेजा फिरोजा ने यहाँ पर हराया है मैग्नस कार्लसन को। एक और चेस के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद जी, यह अपने भारत के माइंड मास्टर नाम की एक इन्होंने पुस्तक लिखी है और अभी WWF इंडिया के द्वारा इन्हें अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिज या रियल टाइम पॉलीमराइज चैन रिएक्शन आधारित COVID-19 किट परीक्षण के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? अब ये प्रश्न क्या है पहले आप ये समझिए। इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा संस्थान है जिनके द्वारा एक किट बनाई गई थी और उस किट के लिए अब इन्हें अनुमोदन मिल गया है। जैसे मान लीजिए आप हैं,
आपसे कहा जाए कि आप किसी डिसीज के बारे में जानकारी के लिए कोई किट बनाइए, तो आप किट बना देंगे। किट बनाने के बाद में आप उसको भेजेंगे ICMR के पास में, तो ICMR उसकी जांच करेगी कि क्या इसके द्वारा रिजल्ट सही आता है या फिर नहीं, और उसके बाद में आपको ये अनुमति मिलेगी कि आप उस किट के माध्यम से टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये किट बनाया था IIT दिल्ली ने और अब इसको अनुमति मिल गई है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था कि IIT दिल्ली के द्वारा प्रो फ्री कोरोना वायरस डिटेक्शन ऐसे नाम की एक किट का निर्माण किया गया था। कहाँ पर? कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में। यहाँ पर IIT के शोधकर्ताओं ने इसका निर्माण किया था। तो अब ICMR ने अनुमति दे दी है कि आप इस किट का प्रयोग कर सकते हैं, COVID-19 से कोई व्यक्ति संक्रमित है या फिर नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा अहमदाबाद में, जो कि है गुजरात में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये जो इंस्टीट्यूट है ये चर्चा में क्यों आया? यह चर्चा में इसलिए आया कि अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया और ICMR के द्वारा इन्हें प्लाज्मा थेरेपी से इलाज का जो प्रभाव होता है उसमें शोध करने की अनुमति मिल गई है। यानी कि ये भारत का पहला सेंटर है जिसको आधिकारिक रूप से भारत सरकार या आप कह सकते हैं जो हमारे यहाँ की हेल्थ बॉडी है उसके द्वारा अनुमति मिली है। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति जो कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो जरूरी है कि वह रिकवर भी कर जाएगा, ज़्यादातर लोग रिकवर कर जाते हैं, तो उनके शरीर में एक एंटीबॉडी आ जाता है और वो एंटीबॉडी आपको मिलेगा प्लाज्मा में। तो इसीलिए उस स्वस्थ हुए व्यक्ति का प्लाज्मा लेकर के किसी अन्य व्यक्ति में उस प्लाज्मा को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद में उसका प्रभाव देखा जाएगा, क्या यह दूसरे व्यक्ति को ठीक कर सकता है या फिर नहीं। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। किस स्पेस एजेंसी ने विशेष रूप से COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए वाइटल वेंटिलेटर विकसित किया? तो ये जो वाइटल नाम का वेंटिलेटर है इसे बनाया है नासा ने, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वाइटल का मतलब क्या है? तो इसका नाम है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, तो ये इसका नाम है। इसका विकास नासा के द्वारा किया गया है, ये आप इमेज में देख सकते हैं। तो काफ़ी छोटा सा वेंटिलेटर है और आसानी से इसका निर्माण किया जा सकता है, जो कि नासा ने किया है बहुत ही कम साधनों के साथ में मिलकर के। नासा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। स्थापना हुई थी 1959 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC में और अध्यक्ष इसके हैं जिम ब्रेडेंस्टीन। अब बात हुई है यहाँ पर वेंटिलेटर की, तो आपको मैं कुछ अन्य वेंटिलेटर के बारे में बता देता हूँ जो कि भारत में बन रहे हैं। जैसे कि एक वेंटिलेटर है जिसका नाम है जीवन लाइट। क्या नाम है? जीवन लाइट। तो ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है IIT हैदराबाद। एक वेंटिलेटर और है जिसका नाम है जीवन, उसका नाम क्या है? केवल जीवन, और ये बना रही है जो कपूरथला के रेल कोच फैक्ट्री है। एक और वेंटिलेटर है जिसका नाम है प्राण वायु। क्या नाम है? प्राण वायु, और इसका निर्माण किया जा रहा है IIT रुड़की के द्वारा और IISc बेंगलुरु यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि है बेंगलुरु में, इनके द्वारा भी प्रोजेक्ट वायु के अंतर्गत एक वेंटिलेटर बनाया जा रहा है। तो ये आप कहीं नोट कर लें क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नासा के लिए सबसे अधिक समय तक कार्य करने वाले हबल स्पेस टेलीस्कोप की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसकी अभी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो हबल टेलीस्कोप ये है नासा का, 1990 में इसे लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था और इस टेलीस्कोप का निर्माण लॉकहेड मिसाइल्स और स्पेस कंपनी के द्वारा किया गया था। नासा का अभी एक और टेलीस्कोप चर्चा में था जिसका नाम है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, और ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि नासा ने अब इस टेलीस्कोप को सेवानिवृत्त कर दिया है 16 वर्ष सेवा करने के बाद में। 2003 में इसे लॉन्च किया गया था और अब ये रिटायर हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, हबल स्पेस टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। ग्रीम वाटसन का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो अगर हम ग्रीम वाटसन की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेट खिलाड़ी थे और अब इनका निधन हो गया है, तो इनके के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर मैं आपसे सही सही कहूँ तो निधन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप पढ़ लीजिए क्योंकि रेयरली निधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतने सारे रोज डेथ होते हैं तो आप एक बार पढ़ लीजिए, हो सकता है कि अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप कर ले जाएंगे, अदरवाइज आपको इसमें एनर्जी अपना बेकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर करंट अफेयर हमारा समाप्त होता है। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। नजमा हेपतुल्ला किस राज्य की राज्यपाल है?
तो ये राज्यपाल है मणिपुर की, कहाँ की, ये मणिपुर राज्य की राज्यपाल है। भारत का जो पहला इंडिया ब्रांड एटलस है, इसका निर्माण किया गया था ट्रिपल आईटी हैदराबाद के द्वारा, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा। ध्यान रखिएगा आईआईटी हैदराबाद ये नहीं है। द अनक्विट रिवर, ये बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसे लिखा है अरूप ज्योति सैंकिया ने। दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के कितने जिले शामिल हैं, तो यहाँ पर है 14 जिले शामिल। कल कई लोगों ने 13 जिले लिखे थे तो वो गलत है, अभी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। रोनाल्डो सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये साइकिलिंग के एक खिलाड़ी हैं, यानी कि साइकिल चलाते हैं। अब ये आपके सामने दिल्ली एनसीआर का मैप है, यहाँ पर आपको मिलेगी दिल्ली। अब इसमें कुल मिलाकर के 8 जिले आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश के, जैसे कि ये मैप में आप देख सकते हैं 8 जिले कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश का है शामली, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुर, गौतम बुद्ध नगर और है बुलंदशहर। राजस्थान के इसमें केवल 2 जिले हैं, एक है अलवर और दूसरा आपका है भरतपुर। बाकी अगर हम लोग हरियाणा की बात करते हैं तो इसमें 14 जिले मिलेंगे, जिंद है, करनाल है, पानीपत है, रोहतक है, सोनीपत है, भिवानी है, चरखी दादरी है, झज्जर है, उसके बाद में गुड़गांव है, रेवाड़ी है, और ये क्या है, महेंद्रगढ़ है, नूह है, परवाल है और है फरीदाबाद। तो इस प्रकार से 14 जिले हैं हरियाणा के। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो ये अभी जब 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस था उस अवसर पर शुरू किया गया है, तो ये आपको बताना किसने शुरू किया। FIH हॉकी प्रो लीग, जिसका आयोजन एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि इसको स्थगित कर दिया गया है एक वर्षों के लिए, ये इसका कौन सा संस्करण था, कौन सा संस्करण मतलब पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, ये आपको बताना है। किस देश के द्वारा WHO को, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को $30 मिलियन की अतिरिक्त निधि दी गई। दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र यानी कि मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर बनाया गया है, और चोरी हुआ मोबाइल फोन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम कोरोना वायरस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। हालांकि 2 वीडियो मैं फिर बना चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन आपको पता होगा कि ज़्यादातर न्यूज़ कोरोना वायरस पे होती हैं, तो इसीलिए आज एक हम सेपरेट वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।